लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। 80 के दशक में प्रसारित महाभारत आज भी उतना ही पॉपुलर है। लॉकडाउन के दौरान जब महाभारत का प्रसारण फिर से शुरू हुआ है तो सीरियल के किरदार भी चर्चा में हैं। 23 साल की उम्र में नीतीश भारद्वाज महाभारत में कृष्ण बने थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पुरानी यादें शेयर की हैं। महाभारत के दोबारा प्रसारण पर नीतीश भारद्वाज काफी खुश हैं। उनका कहना है कि आज की पीढ़ी के पास सीखने का मौका है। 1988 में जब महाभारत शुरू हुआ था तब हर घर में टीवी नहीं होता था। ऐसा ही एक किसान नीतीश भारद्वाज ने शेयर करते हुए कहा कि एक IAS अधिकारी ने बताया था कि वो एक शख्स के यहाँ टीवी देखने जाते थे जिनके पास दो टीवी होती थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर टीवी। महाभारत देखने के लिए जब लोग उनके घर पर जाते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फ्री दिखाते थे, वहीं कलर टीवी के 5 पैसे लेते थे। इस तरह वो अधिकारी 5 पैसे हर एपिसोड के देते थे। नीतीश आगे बताते हैं कि 80 के दशक में सीरियल को लेकर लोगों के बीच इतना क्रेज था कि अगर बिहार और यूपी में सुबह 9 से 10 बजे के बीच लाइट चली जाती थी तो लोग ट्रांसफार्मर में आग लगा देते थे। बिजली विभाग ये सुनिश्चित करता था कि महाभारत के वक्त बिजली न जाए। नीतीश ने बताया कि मुंबई में भी कोई अलग स्थिति नहीं थी, हमारी पूरी बिल्डिंग में केवल 2 घरों में टीवी था। महाभारत के प्रसारण के वक्त हमारा घर भीड़ से भर जाता था, लोग दरवाजे तक बैठे होते थे। रामायण और महाभारत ने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। नीतीश ने अपने प्रशंसकों से जुड़े रहने के लिए हाल ही में एक साथ 3 सोशल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है। नीतीश के प्रशंसक उनसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से सीधा संपर्क कर सकते हैं। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये अजूबा है, ये आपका प्रेम है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। इसने मुझे विवश कर दिया कि अब मैं अपना ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल शुरू करूं। मैंने शुरू कर दिया है, फेसबुक पर इसकी जानकारी दे दी है।